कोरोना कहर से बुलंदशहर के लोग बेहाल हैं। यहां लॉकडाउन का खूब सख्ती से पालन कराए जाने के बाद भी बुलंदशहर समेत जनपद के अलग अलग कस्बों में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर 3 जुलाई यानी बीते कल तक की बात की जाए तो 18 नए मामलों के साथ बुलंदशहर में संक्रमितों की कुल संख्या 660 हो चुकी है। 18 नए मामलों में खुर्जा से 10, बुलंदशहर में 3, ककोड़ में 2, औरंगाबाद में 2 और गुलावटी में 1 नया मामला सामने आया है, जिसे मिलाकर जनपद में कोरोना संक्रमण के कुल 660 मामले हो चुके हैं। वहीं अभी तक 22 ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें कोरोना संक्रमण पाया गया था। हालांकि जनपद में अब तक 479 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। जबकि यहां अभी भी 159 लोग उपचाराधीन हैं। बात अगर देश की करें तो बीते 24 घंटे में 22,771 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 4 अप्रैल यानी आज तक की बात करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 648,315 पहुंच गई है। इनमें से 394,227 मरीज ठीक हो चुके हैं। और अभी भी 254,088 मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटे में 442 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना के कारण 18,665 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।